शादी बैठी है आई और कड़कन को हीरो नाच रे की कंसर हो सब जाई कड़काए नाच रही है, ढोलक बाज रही है, बह बह की आवाज आ रही, लेकिन भोजराज का कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सारे शरीर पर मुर्दा पन छा गया है। देव ऋषि बाबा नारद आए, बोले क्या बात है कंस, इतने परेशान हो? बोले महाराज, एक बार आपने बताया था वो कमल के पुष्प मंगवा लो, मैंने मंगवा लिए, लेकिन वो यादवों का छोरा नहीं मारा गया है। बोले तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बोले तो? बोले अपने धनुष यानी कि धनुष रचाओ, बलराम कन्हैया को बुलाओ, छल के द्वारा मार दो। अब श्री सुखदेव जी बोले कि ये उत्तरानंदन महाराज परिचित एक चिट्ठी लिखी गई, वो पाती अक्रूर जी को दी। अक्रूर जी वो चिट्ठी लेकर के वृंदावन में पहुंचे, जब बाबा नंद को दी है, बाबा नंद रोने लगे हैं पाती पढ़ करके। कन्हैया आए, बोले क्या बात है पिताजी? बोले बात ये है, आज तुम्हें कंस ने बुलाया है। कन्हैया बोले मैं जाऊंगा जरूर पिताजी, मानूंगा बिल्कुल नहीं। तो आज जब चले हैं तो ऐसा ही नहीं है कि चले मथुरा को भगवान और देखी कि यशोदा मैया मुरली धरी कुछ ध्यान देख के यशोदा मई है यशोदा बोली श्याम तो कंसनी यशोदा मई है बोली श्याम तुम लौट के जल दिया बूढ़ी माँ का पर जीवाना तुम्हें रास्ता देखूं सुबह और शाम देख के यशोदा मई है
आज भगवान कन्हैया जब मथुरा के लिए चले हैं तो यशोदा मैया बोली, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? बोले, मुझे मामा ने बुलवाया इसलिए मैं जा रहा हूँ। थोड़ा आगे बढ़े, देखा राधा रानी आ गई। राधा बोली, कन्हैया दिल के टुकड़े टुकड़े करके कहाँ जा रहे हो मेरे, हैं? इस राधा को क्या खेल समझ लिया तुमने? कन्हैया बोले, नहीं राधा, हमारे मामा ने बुलवाया है। बोले हैं, सुनो कि चाहत का तूने मेरी। बोली है, बोले भैया, राधा भगवान से बोली है श्याम कि चाहत का तूने मेरी, ये कैसा सिला दिया मेरा दिल है या चार जन्म चाह लगा दिया। और ये मोहित यादव भैया जी, भाई हमारे भोले भैया शास्त्री जी के जीजा जी हैं, मंडी अध्यक्ष, इनके तरफ से 501 रुपए फिर से मेरे लिए आशीर्वाद में आ रहे हैं। सिला दिया मेरा दिल कैसा लगा दिया दिल है या
राधा का हाल सोचा क्या होगा? कभी नहीं सोचा होगा तुमने, मैं कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। कन्हैया बोले, राधा बात ये, मेरे मामा ने बुलवाया है मुझे, सुनो कि मथुरा क्यों जाऊं।